नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। महाराष्ट्र में 28 नवंबर 2019 को शुरू हुआ उद्धव ठाकरे का राज 29 जून 2022 को खत्म हो गया। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद राज्य में चल रहे सियासी संग्राम पर लगाम लग चुकी है, तो वहीं अब महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे गुट सरकार बनाने जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में 28 नवंबर 2019 को हुआ बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे का राज 29 जून 2022 को खत्म हो गया है। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद राज्य में चल रहे सियासी संग्राम पर लगाम लगती नजर आ रही है, तो वहीं सीएम पद के साथ उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद से भी इस्तीफा दे दिया है। गौरतलब है कि एकनाथ शिंदे लीडरशिप में शिवसेना के 39 विधायकों ने बगावत कर उद्धव ठाकरे की सत्ता को हिलाकर रख दिया और उनको सीएम की कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस्तीफे से पहले फेसबुक लाइव पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि अपनी ही पार्टी के लोग के विद्रोह से वो आहत हैं। सोनिया गांधी और शरद पवार के समर्थन पर भी आभार जताया। दरअसल महाराष्ट्र के राज्यपाल ने 30 जून तक फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया था और राज्यपाल के फैसले के खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और फ्लोर टेस्ट से पहले ही उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। शिवसेना के 39 विधायकों का एकनाथ शिंदे के साथ अपना अलग गुट बनने के बाद शिवसेना अब राज्य में दूसरे से पांचवे नंबर की पार्टी बन गई है। दरअसल राज्य में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद शिवसेना भाजपा के बाद अब दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, क्योंकि अब शिवसेना में सिर्फ 16 विधायक बचे हैं, इसलिए शिवसेना दूसरे नंबर से खिसक कर पांचवे नंबर पर पहुंच गई है। ऐसे में अब महाराष्ट्र विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, जिसके पास 106 विधायक हैं, तो वहीं दूसरा नंबर एनसीपी का है जिसके पास 54 विधायक हैं, तीसरा नंबर कांग्रेस का है जिसके पास 44 विधायक और चौथा नंबर एकनाथ शिंदे का गुट है जिसके पास 39 विधायक हैं, और पांचवें नंबर का दल शिवसेना है जिसके पास सिर्फ 16 विधायक बचे हैं। वहीं सबसे अधिक विधायक होने की वजह से एकनाथ शिंदे का गुट के साथ महाराष्ट्र में नई सरकार बनने के लिए बीजेपी पूरी तरह तैयार है, तो वहीं महाराष्ट्र की सियासत पर अगर नजर डालें तो सिर्फ दो ही मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाए थे। ये दोनों थे बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस और कांग्रेस के वसंतराव नाईक। वसंतराव नाईक 1967 में फिर सीएम बने और दूसरा कार्यकाल भी उन्होंने पूरा किया था, जबकि साल 2014 में बीजेपी शिवसेना गठबंधन की तरफ से राज्य के सीएम बने, उन्होंने भी अपना कार्यकाल 5 साल का पूरा किया था। और अब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में सरकार के गठन का रास्ता फिर से साफ हो गया है। फिलहाल अब सभी को इंतजार है कि महाराष्ट्र में नई सरकार बनने का। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो अब महाराष्ट्र में भी बीजेपी का परचम लहराने वाला है, क्योंकि बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे गुट सरकार बनाने जा रहा है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।